देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को संविधान की रक्षा और एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जिलाधिकारी ने अपने हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि आज के दिन भारत को गणतंत्र मिला था। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र का बड़ा हथियार मतदान है। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए जिससे लोकतंत्र और गणतंत्र मजबूत हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज से वंचित लोगों को उत्थान के लिए संपन्न लोगों को आगे आने की जरूरत है। कार्यक्रम में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अनुरोध विश्वास धर्म और उत्साह की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित बहुत आनंद हैं। जय हिंद। हमारे कई
सम्मानित करके उनके सीखने को उनके योगदान को आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों जिसमें हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिए सीने पे गोली खाए फांसी चढ़े ये सारी चीजें जो है होने के बाद तब जाके हमें आजादी मिली और आजादी मिलने के 3 साल पर गणतंत्र दिवस आज के दिन ही हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। हमारे लोकतंत्र दिवस है उसको 200-250 साल लड़ने के बाद ये आज़ादी हम लोग को मिला है। आज़ादी बहुत सारे सीख के बाद मिला है। बहुत लोग कुर्बानी तो अब भक्तगण ने बताया केवल कुर्बानी नहीं है बहुत सारे आइडियाज है बहुत सारे विचार विमर्श के बाद ये बना है। तब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया है उस समय में पूछा गया था कि तो भारत का संविधान उस समय में अभी भी है एक तरफ से सबसे बड़ा संविधान है यानी उसको स्वरूप में 395 आर्टिकल्स है और तमाम चीज़ उस पर है इतने विस्तार से इतने डिटेल में करने की ज़रूरत क्या था। और अनेक देश से बहुत सारे चीज़ ली गई जापान से लेके अमेरिका से लेके जर्मन से लेके ऐसे कोई देश नहीं छोड़ा है उनने ऐसे चुने हैं वैसे एक नवरत्न माला कैसे पहनते हैं वैसे हर देश से एक अच्छा खूबी को इकट्ठा किया उसी के नाम दिया संविधान भारत का संविधान। उस पर भी बहुत मंथन हुआ है विचार विमर्श हुआ है 26 नवंबर भले उसको तो तैयार हो चुकी थी और इसी दिन के लिए इंतज़ार था ऐतिहासिक दिन था इसलिए आज जनवरी में इसको 26 जनवरी को तो लागू कराया गया है। जो आपके पढ़ के सुनाया था उसका पहले शब्द भी आप देखे होंगे हम भारत के नागरिक बहुत मुश्किल से कुछ चीज शुरू होता है हम से यानी जो पूरा संविधान है ये ढांचा है उसका शक्ति जनता देते हैं हम लोग देते हैं हम लोग का हाथ में इतने बड़ा अधिकार है सबके बराबर अधिकार बटा हुआ है एक वोट सबका है। अभी तो 1-2 महीने में प्रधानी चुनाव भी आने वाले हैं आप भी जानते हैं हर साल कुछ ना कुछ चुनाव होता है। चुनाव इसलिए होता है आपको ताकत का आप इस्तेमाल करके देखें तो ताकत का शक्ति क्या होता है और कितने भी बड़े बड़े जो पार्टी हो जो भी हो उसको आप उगाड़ के फेंक सकते हैं उसको विचार विमर्श पे आप यदि सहमत नहीं है तो आपका अधिकार आपके हाथ में है बट ज़रूर मैं पहले जिम्मेदारी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि वोट देना हम लोग का मूलभूत अधिकार केवल नहीं है मूलभूत जिम्मेदारी है। सभी को वोटर बनाना अनिवार्य है कल भी हम लोग वोटर्स डे मनाएं ताकि हम आपका हाथ में शक्ति लेने नहीं चाहते हैं और कोई ले लेगा आपको शक्ति मुश्किल से अभी तो बहुत मुश्किल से हम लोग 60% वोट पाते हैं हर बार हम हर बार गली गली घूमते हैं भाई वोट दो जो भी चुनाव है तो फिर वो पूछने वाले से कहते हैं यार आपको क्या लेना देना है तो हम तो हमारा मर्जी है हम नहीं देंगे हम लोग उसी दिन बिजी हो जाते हैं किसी काम पे छुट्टियां मनाते हैं तमाम चीज होते हैं। अब भारत ने इतने साल के बाद में तो आश्चर्य लगा कल तो कुछ लोग का वोट बांटते हुए अपने 50 साल तक कोई पहले वोट तक नहीं दिए हूँ अभी वोटर बनने के लिए आगे आए तो बता रहे थे पहचान पत्र मिलेगा उस लिए अब इससे ज़्यादा अपमान क्या कर सकते हैं इतने
जीवन लोग देने के बाद ये आज़ादी मिला है, पावर अब बाद में मिला है। इसलिए तो पहले मूलभूत कर्तव्य है, ज़रूर वोट दीजिए, वोटर बनाइए, वोट दीजिए। दूसरा चीज़ है जो है, भारत का संविधान को हमेशा एक तरफ अग्नि परीक्षा होते रहा है, अभी से नहीं, करीब तो 70 साल से, और कितने भी परीक्षा हुआ उस सब में सफल हुआ है। अब हाल ही में एक परीक्षा पिछले साल निकला है, आपको याद होगा, 2020 में इतने बड़ा महामारी हम लोग सामना करना पड़ा। अब इस पर तो एक तरफ बड़े बड़े देश भी खाप गए, अरब खरबपति देश है, उन लोग सभी को बचाने के लिए उनके पास उपचार नहीं है। मुझे अभी भी याद है, तब तो जून जुलाई में पीक में था, उस समय मैं अमेरिका, जर्मन, यूरोप में मेरा मित्र लोग से बात किए, तो तब बताते थे 30 लाख रुपया चाहिए तब जान बचेगा, 60 लाख रुपया चाहिए तब जान बचेगा, नहीं तो एडमिशन ही नहीं ले रहे थे। भारत में कभी सुना नहीं है हम लोग, तो मुझे भी कोरोना हुआ, मेरा भी साथी बहुत लोगों को कोरोना हुआ। जो दवा मुझे मिला है वो सबसे गरीब व्यक्ति का वही दवा मिला है, और सबसे अमीर व्यक्ति का भी भारत में वही दवा मिला है, इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है। और केवल ये नहीं है, आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान महीने भर बंद हो गई थी, कोई गाड़ी नहीं, साधन नहीं, हम लोग वहाँ वहाँ पड़ गए। यहाँ का बहुत सारे दक्षिण भारत लोग फंस गए, कहाँ कहाँ विभिन्न देश के लोग फंस गए थे, केवल ये भाईचारे की वजह बचाए हम लोग। यहाँ तो गोरखपुर में 3-4 लाख लोग, गोरखपुर वासियों तो बाहर फंस गए थे अपने काम पे, हमें याद है वहाँ किसी किसी कोने पे जो हमने मदद के लिए वहाँ का जिला प्रशासन से बात किया, वहाँ का साथी लोग से बात किया, तुरंत जाकर के उनका मदद किए, उनका भोजन रोटी से लेके जो पैसा से लेके इतने जान वो बचाए। आपको याद होगा गोरखपुर में हम लोग इवन तो कुत्ता बिल्ली के भी तो हम लोग तो बिस्किट दे करके तो बचाया, एक भी जान हम होने नहीं दिए। इसको तो शासन प्रशासन और पैसा कहीं से नहीं मिला है, बस ये ताकत शक्ति है ना हम लोग का अंदर का भाईचारा, यही शक्ति है, एंड यही तो जीन है, जीवन है इसी संविधान का। इसको हमें आगे ले जाना है, बरकरार रखना है, हमेशा याद रखें तो सब केवल जिम्मेदारी किसी अधिकारी के हाथ में और किसी नेता के हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में है। तब तक हम लोग के पास जेब में 10 रुपया है, बगल में कोई परेशानी है उनका 5 रुपया देने में हम हिचकते हैं, तो फिर वहीं से संविधान खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ एंड ये भी चाहता हूँ, देखिए ये भारत देश एक प्रॉमिसिंग लैंड है, मुझे भी पता है, हम भी तो केवल आम परिवार से आकर के तो फिर जिलाधिकारी बने, आगे भी बनूंगा, ऐसे सबको मौका मिलता है, मेहनत करने वाले के फल तुरंत मिलता है, यही तो भारत का संविधान है। जो करने चाहता है, कोई बनने चाहता बन सकता है, ज़रूर उम्मीद रखें भारत के संविधान पर, निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, सब मिलेगा, बट आराम से धीरे धीरे करें, आगे दौड़ के भागने में कुछ मिलने वाले नहीं। ये कहावत अफ्रीकन कहावत होता है, इफ़ यू वांटेड टू रीच फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांटेड टू रीच अलॉन्ग गो अलॉन्ग, यानी जो आप आगे दौड़ के तो अकेले हो जाएंगे, अब सबके मिल के ले चलेंगे, साथ रहेंगे, यही जान है, ये हमेशा के लिए रहेगा, अकेलेपन आपको मरवा देता है, साथ रहने में हम जी सकते हैं, आगे भी जीते रह सकते हैं। ये मैं निवेदन करता हूँ, हमारा साथी को हमेशा साथ ले चले, कमज़ोर वर्ग का जो भी वर्ग है आप मदद कर सकते हैं, ज़रूर मदद करें, यही संविधान का सारांश है। मैं चाहता हूँ हम ये भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम यादव जी, जयराम भारती का निर्वहन किया, इसके लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। विवेक ब्रजेश कुमार दुबे, अंगद यादव, प्रशांत कुमार तिवारी, श्री अंगद यादव, नितिन कुमार तिवारी, आप सब आते, कुमार मौर्य, राम गुप्ता जी आ जाइए, गौतम गुप्ता जी ऊपर, राजेश कुमार श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, ये भूलेख में सर यही भाव इनका विशेष रूप से है, चतुर श्रेणी कर्मचारी है। स्वाति साहनी आ जाइए, सोनम यादव, आप सब डैश पे आ जाइए प्लीज। अरब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की को आमंत्रित कर रहा हूँ, फरहान अख्तर, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अयान, हो गया नाम बोल, माइनॉरिटी
आ जाओ, जितने बच्चे इधर से जाओ, जल्दी जाओ, आओ इधर से, आओ इधर से, आओ वाले बच्चे इधर से, आओ इधर ऊपर जाओ। अभी हो गया और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का है, वो सब आगे आ जाइए। क्या नाम है उसका? सेजर, सेजर। आज के अवसर पर सम्मानित होना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग होता है और एक अच्छे समाज की परिकल्पना में अपना सहयोग प्रदान करे। एक पुरस्कार है नंद बाबा पुरस्कार, नंद श्री अवनीश सिंह। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय, जिला प्रशासन गोरखपुर की तौर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप जानते हैं गणतंत्र आज हम पूरे देश में तो भव्य रूप से मना रहे हैं, गोरखपुर में भी मना रहे हैं, और इस पर तो एक मूल मंत्र हमेशा याद रखें ताकि कोविड के बीच में हम मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं तो ये कोविड जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। मास्क पहने ज़रूर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ बार बार धो लें। देखिए संविधान जो सारांश है भाईचारा से जुड़ा हुआ है, हम हमेशा हमसे नीचे कमज़ोर वर्ग है हमारा साथी लोग का सहयोग करते रहें, एक सारांश है। और आज से संकल्प लें हमारा साथी भला होगा तब हम भले होंगे, इसलिए तो मैं निवेदन करता हूं आपका आसपास जो भी साथियों में हो सकता है आपका परिवार के सदस्य हो, पड़ोस हो और गरीब हो, जो भी व्यक्ति हो, भाईचारा के साथ निभाइए और हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगी, यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। जी देखिए विभिन्न फील्ड में खासतौर पर जो हमारा बच्चे हैं कितने तो बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं, बेटियां हैं वो सबका सम्मानित किए, उसके अलावा विभिन्न पुरस्कार के चोर से विभिन्न योजना का अंदर का जो अच्छा उत्कृष्ट काम किए उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किए हैं, उसके अलावा स्वतंत्र संग्राम सेनानी का आश्रित लोग हैं उन्हीं लोग का भी हम लोग सम्मानित किए हैं, बाकी लोग का भी है, आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। आज विभिन्न कार्यक्रम है, हम कोशिश करेंगे सब कवर कराने।